Hey guys, once again welcome or welcome back to my channel. This is Shanu and welcome back to another video of my pregnancy series. So आप लोग अगर नहीं जानते हो तो मैं पहले ही बता दूँ कि मैं प्रेगनेंट हूँ और मैं अपने चैनल पे लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस शेयर करती रहती हूँ और इस समय मैं अपने चैनल पे प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस शेयर कर रही हूँ. एक कंप्लीट सीरीज़ मैंने शेयर की हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके प्रेगनेंसी सीरीज़ प्लेलिस्ट को देख सकते हो और उसमें सारे वीडियोस एंजॉय कर सकते हो. तो आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपनी प्रेगनेंसी में क्या क्या मील्स ले रही थी ड्यूरिंग माय फर्स्ट ट्राइमेस्टर और इस समय मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है. तो फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में मैं कुछ मील्स के आप सबको ऑप्शन दूंगी. हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या खाएं जो कि हेल्दी हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में हेल्दी मील लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रेगनेंसी में आप कैफीन इनटेक बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते. अगर आप चाय और कॉफ़ी के शौकीन हो तो प्लीज़ आप एक कप से ज़्यादा चाय मत लेना. कॉफ़ी तो अवॉइड ही करो, वो ज़्यादा सही रहेगा. इसके अलावा स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये तो बिल्कुल भी आप नहीं ले सकते. अगर आप प्लान भी कर रहे हो प्रेगनेंसी का तो उस समय भी आपको नहीं लेना चाहिए. और इसके अलावा थर्ड चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखना, यानी कि इनफ क्वांटिटी में आपको पानी पीना है. 3 लीटर पानी आपको डेली लेना ही लेना है. और इसके अलावा मिल्क जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मिल्क अगर आप 2 टाइम ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. प्रोटीन पाउडर डाल के मिल्क आप लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा नौशिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए उस टाइम बहुत ज़्यादा आपको खाने का कई लोगों को नहीं मन करता है, कई लोगों को बहुत वॉमिटिंग होती है. तो इसके लिए मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगी मेरी डॉक्टर ने जो मुझे बताया था. तो अगर आप जब सुबह उठते हो तो आप बेड से नीचे मत उतरो, बेड पे लेटे लेटे ही थोड़ा सा कुछ बिस्किट या कुछ भी अपने मुंह में डाल लो, क्योंकि क्या होता है रात भर हम खाना खाए रहते हैं वो पच जाता है और उसके बाद हमारा पेट एकदम खाली रहता है, तो उसमें एसिड फॉर्म होता है और जब हम सुबह उठते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग नौशिया टाइप का फील होता है. और गलती से अगर हम पानी पी लेते हैं तो फिर वो सारा ही पानी बाहर निकल आता है. तो ब्रश करने से भी पहले आप बस सुबह उठो और थोड़ा सा कुछ लेटे लेटे ही अपने मुंह में डाल लो, चाहे वो बिस्किट डाल लो, टोस्ट डाल लो, कुछ भी डाल लो, बट लेटे लेटे ही डालना है आपको. थोड़ी देर बाद आप उठो और ब्रश करो और फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करो. और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर से दवाई भी ले सकते हो. तो मुझे तो फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ में बिल्कुल पता ही नहीं चला. थर्ड मंथ और फोर्थ मंथ में बहुत ज़्यादा मुझे मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन फिर भी मेरे को इतना ज़्यादा नहीं था कि सारा दिन हो रहा हो या हर मील के बाद मुझे वॉमिटिंग हो जा रही हो, बस मॉर्निंग में मुझे थोड़ा इश्यू रहता था. तो इस तरह से मैंने क्योर कर लिया. तो आप सबको भी मैं अपना आइडिया बता रही हूँ. इसके बाद फिफ्थ मंथ से मेरी मॉर्निंग सिकनेस एकदम कम हो गई है, लगभग ना के बराबर हो गई है. तो आई एम वेरी हैप्पी. एक तो सुबह सुबह वॉमिटिंग टाइप का लगता है ना, तो बहुत मूड ऑफ हो जाता है, फिर काफ़ी देर तक फिर कुछ खाने का मन नहीं करता है, ये चीज़ तो है. तो इस चीज़ से छुटकारा मिल गया है. अब मतलब लिक्विड आपको बहुत ज़्यादा लेना है अगर आपको ज़्यादा वॉमिटिंग की शिकायत है तो, जिससे हाइड्रेशन बना रहे. और सेकेंड ट्राइमेस्टर से प्रोटीन इनटेक बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और बच्चे की अच्छी और हेल्दी ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आज के जो वीडियो में मैं आपको कुछ मील्स के ऑप्शन दूंगी, आप उसे देख सकते हो. अगर आपको पसंद आए तो आप उसे बना सकते हो, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी कि आज क्या खाऊं कल क्या खाऊं. इस अकॉर्डिंग आप डाइट चार्ट अपना बनाओ और जब आप लिख लेते हो, नोट कर लेते हो, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता. तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आप सबसे शेयर करूं और आप लोग के लिए मे बी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो ये वीडियो सिर्फ वेजिटेरियन लोगों के लिए नहीं है, नॉन वेजिटेरियन लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि नॉन वेज वाले तो नॉन वेज वेज दोनों ही खाते हैं और वेज वालों के पास तो ऑप्शन जो होते हैं वो मैं इस वीडियो में शेयर ही कर रही हूँ. मैं एग भी नहीं लेती हूँ. अगर आप वेजिटेरियन और आप एग ले रहे हो तो फिर अच्छी बात है, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रोटीन ज़्यादा क्वांटिटी में ही लेना होता है. दिन में 2 एग ले रहे हो तो अच्छा खासा आपको प्रोटीन मिल जाता है. और अगर आप मेरी तरह हो जो कि एग भी नहीं लेते, तो उनको इधर उधर करके
अपनी मैक्सिमम मील में प्रोटीन को शामिल करना ही पड़ता है। तो इस वीडियो में आपको मैं कुछ मील्स के ऑप्शन दे रही हूँ, मैंने फ्रूट्स और जूस के भी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आई होप आप सबको पसंद आएगा और आपको कुछ आइडिया ही मिलेगा इस वीडियो से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड फन रील्स एंड पोस्ट ज़रूर अपलोड करती हूँ। यूज़र नेम मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दी हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, वहाँ से आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना। तो चलिए फिर अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सुबह मैं लेती हूँ ये सोक्ड वॉलनट आमंड एंड रेजिन, और बहुत ही हेल्दी रहता है ये, और इसे आपको भिगो के ही लेना चाहिए। और मैंने मेरी डॉक्टर से पूछा था कि ये गर्म तो नहीं करता है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं ले सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, तो लिमिटेड क्वांटिटी में बस आपको लेना है। इसके अलावा मैं काजू भी लेती हूँ। सो गाइस अभी मैं ली हूँ दलिया, जो कि मैं ले रही हूँ ब्रेकफास्ट में। तो दलिया बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और फुलर भी होता है, आपका पेट एकदम फुल रहेगा अगर आप मॉर्निंग में ले लेते हो उसको ब्रेकफास्ट में। तो दलिया में मैंने सिर्फ मटर टमाटर प्याज आलू ये सब डाला है और थोड़ा सा मसाला डाला है मैगी का, फिर मैंने एक चम्मच घी डाला है, इसको मैंने प्रेशर कुक किया था। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है, आप चाहे तो इसे स्नैक्स में भी ले सकते हो, और भी ब्रेकफास्ट के बहुत सारे ऑप्शन मैं बताऊँगी आपको आगे वीडियोज़ में। तो कभी कभी मैं फ्राइड राइस भी ले लेती हूँ, चाहे मैं इसे ब्रेकफास्ट में लेती हूँ या फिर कभी स्नैक्स में ले लेती हूँ। सो आज का मेरा ब्रेकफास्ट है ये मूंग दाल का चीला, ये है बैटर। मूंग दाल में मैंने थोड़ा सा मिर्ची अदरक लहसुन और नमक डाल दिया, चाट मसाला डाल दिया, एक चम्मच बेसन डाल दिया बाइंडिंग के लिए, घी लगा रही हूँ इसमें, रिफाइंड ऑयल मैंने नहीं यूज़ किया। तो इस तरह से चीला बन के रेडी हो जाएगा और आप इसे ले सकते हो चटनी के साथ। सो गाइस माय मूंग दाल चीला इज़ रेडी एंड आई एम हैविंग इट विद दिस चटनी, दिस इज़ टोमेटो चटनी। सो गाइस ब्रेकफास्ट में नेक्स्ट ऑप्शन है ये उपमा, जो कि सूजी का उपमा है, जिसे मैंने प्याज टमाटर मटर और मूंगफली डाल के बनाया है, बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही फुलर होता है। नेक्स्ट आप ले सकते हो ब्रेकफास्ट में इडली सांभर चटनी, चाहे तो आप फ्राइड इडली ले सकते हो या फिर सिर्फ चटनी के साथ इडली ले सकते हो, ये भी हेल्दी ब्रेकफास्ट का ऑप्शन है। नेक्स्ट आप ले सकते हो स्प्राउट्स, और स्प्राउट्स आपको कच्चा नहीं लेना है, तो इसलिए मैंने इसे पार बॉयल किया है थोड़ा सा, और इसके बाद इसमें मैंने प्याज टमाटर खीरा नींबू और हरी मिर्च डाला है और चाट मसाला डाला है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इस तरह से स्प्राउट्स भी ले सकते हो ब्रेकफास्ट में, और बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है ये। इसके अलावा आप ब्रेकफास्ट में सैंडविच ले सकते हो, यहाँ पर मैं सिंपल सैंडविच ले रही हूँ जूस के साथ। सो गाइज दिस इज़ वॉट आई एम ईटिंग ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, दिस इज़ माई लंच और दिस इज़ अ कम्प्लीट मील, जिसमें मैं ली हूँ दो चपातियाँ, थोड़ा सा मैंने राइस लिया है, क्यूकम्बर लिया है सैलड में, और इसके अलावा मैंने लिया है लोबिया, जो कि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक आई पी, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा मैंने एक बोल दही लिया है, डेली मैं एक बोल दही तो खाती ही खाती हूँ। तो ये मेरा मील है, ये मेरा लंच है, एंड प्रेगनेंसी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेने की ज़रूरत होती है। सो दिस डाइट इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर्स एंड हाई प्रोटीन। ब्रेकफास्ट में मैंने क्या लिया था वो आपको दिखाया ही है। सो बस अभी ये मेरा मील है जिसे मैं अभी कंप्लीट करने जा रही हूँ, बाद में आपको स्नैक्स में भी दिखाऊंगी कि मैं क्या लेती हूँ एंड डिनर भी दिखाऊंगी। सो ये चपाती, ये सब्जी, दाल और मैंने दो ठो आंवले का अचार लिया हुआ है। तो ये है आज का मेरा लंच। सुबह आज का मेरा ये लंच है और मैंने दाल बनाई है जिसमें मैंने पालक टमाटर और वेजीज डाल दिया है, और आज मैं सब्जी नहीं ले रही हूँ। तीन चपाती है और सैलड लिया है मैंने, घी दही लिया है, रोटी में मैंने घी नहीं लगाया, मैंने दाल में घी डाल दिया है, इसलिए बहुत ज़्यादा भी घी नहीं खाना है आपको। वेट गेन बहुत जल्दी होगा तो आपको घी तो लेना है, बट आपको थोड़ा सा लिमिटेड ही लेना है। सो गाइस छोले रोटी चावल ये मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है लंच में, और इसको मैंने एक बोल कर्ड के साथ लिया है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मैं आपको जूस पे बता रही हूँ, चाहे तो आप इसे मॉर्निंग में लो ब्रेकफास्ट के बाद, या फिर आप इसे इवनिंग में ले सकते हो स्नैक्स के साथ। तो मैं यहाँ पे जनरली लेती हूँ
ऑरेंज जूस जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगता है। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी में नारियल पानी भी लेना चाहिए। नारियल पानी इज़ रिच इन मैग्नीशियम पोटेशियम एंड इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि बहुत हेल्दी होते हैं बेबी के लिए, आपको ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा मैं यहाँ पे ABC जूस भी लेती हूँ जो कि एप्पल बीटरूट एंड कैरेट को मैंने जूसर में बनाया था मिक्स करके, तो ये जूस भी बहुत हेल्दी होता है और इससे आपका हीमोग्लोबिन भी मेंटेन रहता है। सो गाइस, यू कैन सी दिस इज़ द पैशन फ्रूट और इसका मैंने बनाया है जूस। ये विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो यू कैन ट्राई दिस जूस। और कुछ नहीं, इसमें जो पल्प होता है उसको आपको अच्छे से निकालना है उसमें से जूस, और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया है और थोड़ा सा चीनी मिला दिया है। सो गाइस, फ्रूट्स में भी कुछ ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो आपको सीजनल फ्रूट लेने हैं सारे ही, और पाइनएप्पल पपाया छोड़ के ये गुआवा है मैंने लिया है। इसके अलावा आप ले सकते हो ये अनार, और अनार बहुत ज़्यादा सही रहता है, आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो अनार आपको ज़रूर लेना चाहिए। डेली अगर आप ले सको तो बेस्ट है, और अगर आप डेली नहीं ले सकते तो अल्टरनेट डे ले सकते हो। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स ये हैं जैसे कि ब्लूबेरी हो गया, ग्रेप्स हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, कीवी हो गया, ये सारे विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं और इसे आपको ज़रूर लेना चाहिए। बहुत टेस्टी रहता है और बहुत ही हेल्दी रहता है। विटामिन सी इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आप जो भी आयरन सप्लीमेंट्स लेते हो, अगर आप विटामिन सी नहीं लोगे तो आपका वो ब्लड में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा आयरन। सो डेली आपको विटामिन सी रिच फ्रूट्स लेना ही लेना है। अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो आप लेमन जूस भी ले सकते हो, और ऑरेंज तो अवेलेबल होता ही है, आप उसे भी ले सकते हो। सो गाइस, इसके अलावा आप एप्पल ले सकते हो, बीटरूट ले सकते हो, कैरेट ले सकते हो, इसका आप जूस भी बना सकते हो या फिर आप इसे एज इट इज ले सकते हो। सो गाइस, इट्स इवनिंग एंड मैं स्नैक्स में ले रही हूँ ये मुरमुरे जो कि मैंने घर पे पफ्ड राइस को ड्राई रोस्ट किया है, और उसके बाद इसमें मैंने प्याज, टमाटर, नमकीन, नींबू, हरी मिर्च सब कुछ डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है, चाट मसाला डाल दिया है। तो ये मेरा मुरमुरा हो गया रेडी, जिसे अभी मैं स्नैक्स में लेने वाली हूँ। स्नैक्स में नेक्स्ट ऑप्शन है चना चाट। ये है काबुली चना जिसे मैंने बॉईल कर लिया है। इसमें मैंने प्याज, टमाटर, खीरा डाला है, हरी मिर्च डाला है, और चाट मसाला, काला नमक, लेमन जूस डाल के बनाया हुआ है। तो आप चाहें तो इसे ब्रेकफास्ट में ले लें या फिर आप स्नैक्स में ले लें। और काबुली चना रिच होता है प्रोटीन में, और प्रोटीन आपको बहुत ज़्यादा लेना चाहिए क्वांटिटी में प्रेगनेंसी में, तो ये एक हेल्दी ऑप्शन है और ये बहुत टेस्टी भी लगता है, तो इसे आप स्नैक्स में कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा गाइस, काले चने की भी चाट आप बना सकते हो। सेम वही वे है जैसे कि मैंने काले चने को सोक कर लिया था और उसे बॉईल कर लिया है, और उसमें मैंने सारी सब्जियां डाल दिया है, लेमन जूस डाल दिया है, काला नमक डाला है, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है। सो मखाने को मैंने यहाँ पे घी में रोस्ट कर लिया अच्छे से, और इसे भी मैं स्नैक्स में लेती हूँ। ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, प्लस टेस्टी भी बहुत लगता है। सो गाइज, दिस इज़ माई डिनर फॉर टू नाइट। यू कैन सी मैंने दाल लिया है जो कि मैंने दिन में ही बनाया था, पालक वाली दाल और प्याज टमाटर सब कुछ डाल के। इसके अलावा मैंने लिया है शिमला मिर्च, आलू की सब्ज़ी, और मैंने लिया चपाती अगेन। तो आज का ये मेरा डिनर है। डिनर में नेक्स्ट ऑप्शन है चपाती और कुछ सैलड है जिसमें मैंने गाजर लिया है, और इसके अलावा सब्जी है ये सोयाबीन की। सोयाबीन रिच होता है प्रोटीन में और आपको इसे ज़रूर लेना चाहिए प्रेगनेंसी टाइम, तो ये भी बहुत हेल्दी ऑप्शन है। इसके अलावा मैं कभी कभी डिनर में, जैसे मेरा राइस खाने का मन किया तो यहाँ पे मैंने लिया है छोले चावल, और सैलड लिया है जिसमें है खीरा, तो ये भी बहुत टेस्टी लगता है। और छोले तो आप सबको पता है बहुत हेल्दी भी होता है, बहुत ज़्यादा तेल मसाले में बस आपको नहीं प्रिपेयर करना है। डिनर में मैं आपको जो भी ऑप्शन बता रही हूँ उसे आप लंच में भी ले सकते हो, और लंच में मैंने जो भी ऑप्शन बताया उसे आप डिनर में ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने रवा डोसा बनाया था और उसे मैं ले रही हूँ सांभर और चटनी के साथ, तो ये भी बहुत हेल्दी है, और आज मेरा रवा डोसा ही खाने का मन कर रहा था तो मैंने इसे बनाया है। इसके अलावा मैं इडली भी बनाती हूँ कभी कभी डिनर में, मैं इडली ले लेती हूँ सांभर और चटनी के साथ, तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्दी होती हैं और वैरायटी आपको मिल जाती है, तो आप बोर भी नहीं होते हो। तो इस तरह से आप अपनी मील रेडी कर सकते हो, जिनमें से कुछ आइडिया मैंने आपको दे दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर देना,
और कमेंट करना अच्छे अच्छे, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ढेर सारे वीडियोस लेके आ सकूं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।